शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई किस तरीके से हम इसको इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं और कब कब हमें अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ स्ट्रेटजी होने वाली है फॉर साइडवेज मार्केट। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टाइमिंग ट्रेड्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई इस स्ट्रेटजी को आप किस इंडेक्स में अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने के क्या हमारे बेनिफिट होते हैं, क्या ड्रॉबैक पॉइंट्स होते हैं, तो ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या है शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई। तो देखिए, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई ये एक साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटजी है। साइडवेज मार्केट आप समझते होंगे, अगर ये हमारी मार्केट है तो अगर वो साइडवेज है, इस तरीके से ट्रेड कर रही है तो हमारी ये साइडवेज मार्केट होती है। ठीक है, तो हम ये अप्लाई कब करते हैं, जब हमारे हमें पता हो हमारी मार्केट जो है वो साइडवेज है। इसको हम डेली और वीकली बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस स्ट्रेटजी को लगाने के लिए हमें चार ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, जिसमें कि हमारे दो बाय साइड होते हैं और दो सेलिंग साइड होते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, दो बाय करेंगे और दो सेल करेंगे। किस इंडेक्स में इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस स्ट्रेटजी को हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और ऑल जो एफएनओ में स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उन सभी में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं इसका आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमें क्या बाय करना है, क्या सेल करना है। तो दोस्तों, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें देखना होता है कि हमारी मार्केट अभी कहाँ पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। अभी हम मान के चलिए जैसे 43,900 के करीब हमारी क्या कर रही है, मार्केट ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो 43,900 इसमें क्या करना होता है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये स्ट्रेटजी आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या करना है, जैसे ये हमारा 43,900 स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, 43,900, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कॉल सीई और एक पुट जिसको हम बोलते हैं पीई। ठीक है, एक एक लॉट में क्या कर लेना है, एक लॉट में सेल कर देना है। सेम पुट की साइड करना है, एक लॉट में हमें क्या कर देना है, इसको सेल कर देना है। ठीक है, 43,900 को हमने क्या किया, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बनाने के लिए, ये तो हमारा हो गया शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैडल इस तरीके से बन जाता है, आप एक सीई और एक पी को शॉर्ट कर दो, सेल कर दो, तो आपका शॉर्ट स्ट्रैडल बन गया। अभी हमें बनाना क्या है, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई। तो शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक एक लोड में 43,900 पे क्या किया, एक बाय कर, एक सेल कर दिया पुट और एक कॉल को सेल कर दिया। अभी क्या करेंगे, 43,900 से प्लस करेंगे 500 पॉइंट्स ऊपर की तरफ, मतलब कॉल साइड। तो 43,900 में अगर हम 500 ऐड करते हैं क्या हो जाएगा, तो अगर हम 43,900 में प्लस करेंगे 500 पॉइंट्स, तो ये हमारा निकल के आएगा दोस्तों 44,400। ठीक है, 44,400 पे क्या करना है, आपको एक सीई बाय कर लेना है। एक सीई हमने क्या किया, हमने 43,900 पे अपना कॉल को और पुट को शॉर्ट किया, उसके बाद हम 500 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब कॉल साइड जाएंगे, तो 43,900 में प्लस करेंगे 500 पॉइंट्स, तो हमारा हो जाएगा 44,400। हमने यहाँ पे क्या किया, एक कॉल को बाय कर लिया। सेम नीचे की तरफ क्या करेंगे, एक पुट को बाय करेंगे। पुट बाय करने के लिए हम क्या करेंगे, 43,900 में से 500 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अगर 500 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 43,400। तो हम क्या करेंगे, 43,400 की एक पी को बाय कर लेंगे। ये हमारी क्या बन गई, पोजीशन बन गई। अब इसका जो पे ऑफ चार्ट बनेगा वो इस तरीके से बन के आएगा आपके सामने, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बन के आएगा। अब इसमें क्या हमारा प्रॉफिट एरिया होता है, क्या लॉस एरिया होता है, ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एरिया है। ठीक है, अगर हमारी मार्केट इसके बीच में कहीं पे एक्सपायर होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर हमारी ये दो ब्रेक इवन पॉइंट्स है, अगर ब्रेक इवन पॉइंट्स को क्रॉस करके नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें लॉस होगा। अगर सेंटर में होता है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अभी इसकी हमें ब्रेक इवन कैसे पता करना है दोस्तों, इसमें देखो कोई एडजस्टमेंट अभी हम खाली सिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर इसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, अगर हमारे ब्रेक इवन को क्रॉस करता है, तो उसके लिए मैंने एक नई दूसरी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाके कर सकते हैं, इसमें मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हुई है अपनी और सारी स्ट्रेटजीज बनाई हुई, किस तरीके से हम कौन सी स्ट्रेटजी कब अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जाके, ये दोस्तों हमारा टाइमिंग ट्रेड्स के नाम से एक चैनल है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे काफी सारी वीडियोस हमने डाली हुई हैं।
और दोस्तों साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है जिसमें हमने सारी स्ट्रेटेजी जो भी हमारी साइडवेज मार्केट होती है या अपसाइड होती है डाउनसाइड होती है तो हर एक मार्केट की कंडीशन में कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है। आप यहाँ पे ये प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कौन सी स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। तो चलिए अभी मैं आपको एक बार ये जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है एक बार आपको समझा देता हूँ। तो अभी हमने क्या किया यहाँ पे ये स्ट्रेटजी अप्लाई करने के लिए, दोस्तों आपको इतना तो समझ आ गया हमें ये स्ट्रेटजी किस तरीके से अप्लाई करना है। मैं एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए 43,900 पे भी मार्केट चल रही है, ठीक है, इस पे 43,900 के हमें क्या करना है, एक पुट और एक कॉल शॉर्ट कर देना है, ठीक है, सेल कर देना है, मतलब 43,900 पे, ठीक है, उससे 500 पॉइंट ऊपर की तरफ और 500 पॉइंट नीचे की तरफ, 500 पॉइंट्स अपसाइड और 500 पॉइंट्स डाउनसाइड, एक एक लॉट में क्या कर लेना है, बाय, कॉल भी और पुट भी एक लॉट में क्या कर लेना है, बाय कॉल और पुट दोनों, ठीक है। तो जैसे आप ये बाय कर लोगे ये आपके सामने बन के आ जाएगा। अब इसमें हमें जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। जो आपने सेल किया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको सेल करने पे कितना प्रीमियम मिला, मैं एक राउंड फिगर में एक फिगर ले लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए आपको मिला 50-50 रुपये मिले, मतलब 100 रुपये मिले आपको, और जब आपने सेल बाय किया हुआ है बाय करने पे आपको 50 रुपये वहाँ पे देने पड़े, मतलब 25-25 आपने दोनों साइड 25 की आपने पुट बाय की और 25 की कॉल बाय की, तो आपने वहाँ पे 25-25 × 50 तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आ गया 50 पॉइंट का, ये आ गया आपका 50 पॉइंट्स आ गया निकल के। अब क्या करेंगे, जो 43,900 पे हमने क्या हुआ है शॉर्ट किया हुआ, तो 43,900 में प्लस करेंगे 50 रुपये, तो क्या आ जाएगा 43,950, ये हमारा क्या हो गया कॉल की साइड का ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 43,950। अगर हमारी मार्केट 43,950 को क्रॉस करेगी ऊपर की तरफ तो हमें क्या होगा लॉस होगा, ठीक है। सेम हम क्या करेंगे नीचे की तरफ का इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया 50 जो पॉइंट थे हम 43,900 में हमने पहले प्लस किया था, आप क्या कर देंगे यहाँ पे 43,900 में माइनस कर देंगे कितने को 50 पॉइंट्स को, ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे आ जाएगा हमारा 43,850। तो ये जो हमारा नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 43,850। इस तरीके से आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक बार मैं ये स्ट्रेटजी आपको लाइव उसमें स्टॉक मार्केट में लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारा प्रॉफिट होता है और किस तरीके से लॉस होता है। मैं दोस्तों जैसे आपको बताइए हम इस स्ट्रेटजी लगाते हैं वो या तो इंट्राडे में लगाते हैं या फिर हम वीकली वाइज लगाते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आपको इंट्राडे का बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ, अगर हम इंट्राडे बेसिस पे ये स्ट्रेटजी लगाएंगे तो किस तरीके से हमें प्रॉफिट होगा और किस तरीके से लॉस होगा। तो जैसे आज दोस्तों हमारी 18 तारीख है तो मैं एक बार इसको ट्राई करूंगा अपना 8 जून को, ठीक है, 8 जून को हमारी एक्सपायरी डे था। हम यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं सुबह 9:16:15 हमारी मार्केट ओपन हो जाती है, तो 16 पे हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी मार्केट कहाँ पे चल रही है, सेम एक्सपायरी डे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अभी 44,300 पे चल रही है, तो क्या करना है 44,300 की एक पुट और एक कॉल को क्या करेंगे शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, ये हमारा बन के आगे क्या शॉर्ट स्ट्रेटल। अभी हमें क्या करना है बाय करना है, पुट की साइड देख लेते हैं 500 पॉइंट ऊपर की तरफ, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 500 पॉइंट ऊपर क्या करना है हमें एक पुट को बाय कर लेना है। सेम कॉल साइड भी हम करेंगे, कॉल साइड क्या करना है 500 पॉइंट ऊपर की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 500 पॉइंट हमने क्या किया ऊपर और एक नीचे कॉल साइड और पुट साइड एक एक बाय कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हमारा जो मार्जिन इसमें लगा है 57,690 रुपये लगा है इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है 5,161 रुपये और मैक्सिमम लॉस कितना है 7,335, और जो हमने यहाँ पे ब्रेक इवन इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे आपके जो मैंने आपको बताई थे किस तरीके से आपको अपने ब्रेक इवन कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब ये जो आपके सामने बन के आ गया ये है वो हमारा पे ऑफ चार्ट। अब इसमें देखो यहाँ पे अगर इसके अभी मार्केट कहाँ पे इस वाले लेवल पे, ठीक है, अगर ये इन दोनों के बीच में रहती है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे कहीं भी ट्रेड करेगी एक्सपायर हो जाएगी हमारी आज के दिन 3 बजे तक 3:15 बजे तक तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर हमारे ब्रेक इवन को क्रॉस करेगी तो हमें क्या होगा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा के देखेंगे हमें क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस। आप यहाँ पे पीएनएल पे ध्यान दीजिए, ठीक है, मैं 15 मिनट आगे बढ़ाता हूँ तो क्या हुआ
219 रुपये का यहाँ पे भी प्रॉफिट चल रहा है, और 15 मिनट बढ़ाते हैं तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, माइनस 280 रुपये, 199 रुपये का लॉस। अभी देखो 26 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपये का प्रॉफिट, 103 रुपये का प्रॉफिट। अगर हमारे बीच में इसी मार्केट हमारे साइडवेज रहेगी तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए, अभी 291 का प्रॉफिट हो गया, 650 का प्रॉफिट हो गया, 1338 रुपये का। जब भी आपको लगे कि हाँ ये प्रॉफिट आपके लिए सफिशियंट है तो आप उसको लेके निकल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आपको 3-4% आपको प्रॉफिट दिखा रहा हो तो आप उसको लेके निकल सकते हैं। तो अभी जैसे टाइम हो गया 12:16 और 1300 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अभी 1400 रुपये का ये हम इंट्राडे में अप्लाई करके दिखा रहे हैं, अभी 1500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 1600 का प्रॉफिट, 2000 का। दोस्तों देखो कितना शानदार प्रॉफिट, अभी आपको 3.5% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप मतलब बताने का ये है कि जब आपको इतना 3-4% प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप लेके निकल सकते हैं उसको किसी भी टाइम। आपको वेट नहीं करना है कि हाँ मैं 3 बजे तक वेट करूंगा, हो सकता है 3 बजे के बाद सेलिंग स्टार्ट हो जाए और आपका क्या हो, लॉस होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो अभी देखो 1700 रुपये का प्रॉफिट, 2:30 बज चुका है, 1900 रुपये का प्रॉफिट। अभी हमारे ब्रेक इवन के पास आ रही है कहीं ना कहीं, अगर हमारे ब्रेक इवन को क्रॉस करेगी, देखो बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गई हमारी, तो अब ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करती जाएगी जैसे जैसे हमारा उतना लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस वाले लेवल पे कहीं एक्सपायर होती है तो हमें 1900 रुपये का लॉस होगा, और अगर यहाँ पे कहीं आ जाती काफ़ी ज़्यादा नीचे चली जाती है तो हमें क्या होगा, मैक्सिमम लॉस होगा जो हमारा 7335 का यहाँ पे शो कर रहा है। तो एक बार देख लेते हैं और थोड़ा आगे बढ़ा के, 3:15:16 हो चुके हैं और अभी 2992 रुपये का यहाँ पे लॉस चल रहा है, ठीक है। अभी 15:26 हम पूरा इसको एक्सपायरी डे तक ले जाते हैं। ये देखो दोस्तों 3:29 हो चुके हैं, मतलब हमारा डे आज का क्लोज होने वाला है 1 मिनट बाद, जो हमें यहाँ पे लॉस दिखा रहा है 2416 रुपये का। ये हमने स्ट्रेटजी लगाई थी अपनी बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, और ये हमारे ब्रेक इवन को क्रॉस करके यहाँ पे एक्सपायर हुई है। तो 2416 रुपये का यहाँ पे लॉस हो रहा है, हमें मैक्सिमम लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लॉस क्या होगा हमारा, जब जितनी ज़्यादा मार्केट यहाँ पे डाउन जाएगी, जितनी ज़्यादा हमारे से ब्रेक इवन से दूर जाती जाएगी उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये अप्लाई करते हैं अपना इंट्राडे में। अब मैं इसको एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूँ, अगर इसको वीकली वाइज हम लगाते हैं तो वीकली बेसिस पे क्या हमें प्रॉफिट होता है और क्या लॉस होता है। तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ 8 तारीख को ये अप्लाई करूंगा मॉर्निंग में सुबह 9:16 पे, ठीक है, 9:16 पे अप्लाई करूंगा, और कब करूंगा, 15 जून को, ठीक है। 15 जून की यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें सेम क्या करना है, वही करना है अपना जो भी ATM 44,300 पे चल रही है, तो एक एक लोट में क्या करेंगे, पहले सेल कर देंगे, उसके बाद 500 पॉइंट ऊपर की तरफ आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये मैं पुट की साइड अभी ले रहा हूँ, एक पुट मैंने बाय कर ली 500 पॉइंट नीचे की तरफ, और 500 पॉइंट ऊपर की तरफ क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 500 पॉइंट ऊपर की तरफ एक कॉल बाय कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 9,294 रुपये का, और जो मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है 3205 रुपये का, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये हमारी, ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट्स है, ब्रेक इवन को क्रॉस करता है जब हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, उसकी मैंने दूसरी वीडियो बनाई हुई है, आपको अगर देखनी है किस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट होती है तो आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको थोड़ा 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाती हूं, 197 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 700 रुपये का प्रॉफिट, 741 का प्रॉफिट। 15 जून की हमारी एक्सपायरी आज हमने 9 तारीख हो चुकी है और 771 रुपये का भी प्रॉफिट चल रहा है। तो इसको पूरा देखेंगे हमारा एंड ऑफ द वीक हमें कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है। अभी 945 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, देखो जो हमें मैक्सिमम इसमें प्रॉफिट हो सकता है 9,294 का होगा। तो जब भी आपको आपको लगे कि हाँ मेरा 5-6% प्रॉफिट हो रहा है तो वो लेके आप निकल सकते हैं मार्केट से। अभी 2100 रुपये का प्रॉफिट हो गया,
2493 रुपए का प्रॉफिट। अभी देखो हमारे थोड़ा साइड आगे है मार्केट, हमारे ब्रेक इवन के पास आ गई, तो हमें 621 रुपए का अभी प्रॉफिट चल रहा है। ये हमारा दोस्तों एक्सपायरी डे आज 2:06 हो गए, आज 15 तारीख है और 15 जून की हमने एक्सपायरी डे सिलेक्ट किया हुआ था, तो हमारे ब्रेक इवन को क्रॉस कर गए मार्केट, तो क्या होगा, हमें लॉस ही होगा। कितना लॉस होगा, 3205 रुपए का, 3200 मतलब अराउंड 3200 के करीब हमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा वो दिखाता है, यहाँ पे 3205 रुपए का दिखा रहा है, लेकिन अभी 3180 रुपए यहाँ पे चल रहा है हमारा लॉस, तो थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं, 3215 हो गया दोस्तों लॉस। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये एक राउंड फिगर में दिखाता है, मतलब पूरा इसका कैलकुलेशन ठीक नहीं होता है, तो इसलिए मतलब एक हमें आइडिया दे देता है कि मैक्सिमम आपको लॉस इतना हो सकता है, लेकिन जब हम इसको रियल मार्केट में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आप कुछ और देखेंगे, ठीक है, कितना लॉस आपका हो सकता है। ये लॉस किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर ब्रेक इवन पॉइंट्स को क्रॉस करके मार्केट एक्सपायर होती है तो किस तरीके से लॉस होगा वो भी मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा, सो दैट आप उसको अप्लाई करते टाइम देख सके कि अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ और ब्रेक इवन क्रॉस कर देती है तो मेरे को कितना लॉस होगा यहाँ पे। तो ये दोस्तों पूरा हमें 3200 रुपए का लॉस यहाँ पे हो गया, और हमने ये अब वीकली बेसिस पे अप्लाई की थी बैंक निफ्टी के अंदर हमारी शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई, ठीक है, इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन इसे हमें लॉस देने से पहले प्रॉफिट भी दिया था दोस्तों, और मैंने आपको बताया अगर आपको लॉस हो रहा हो, सॉरी प्रॉफिट हो रहा हो, तो आप उसको जो भी 4-5% अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आप उसको लेके निकल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।